आइए केमिस्ट्री एकेडमी में वेलकम दोस्तों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए कि क्या होता है ये। इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। दोस्तों ये एबिलिटी किस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन अ बॉन्डेड मॉलिक्यूल में एटम्स की। ये एटम्स है, एक मॉलिक्यूल हमारे पास HCl में दो एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। दोस्तों हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को स्टेबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को करने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इन देयर वैलेंस शेल अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल, और क्लोरीन को करना होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, तो फिर ये दोनों स्टेबल होंगे। तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनता है HCl में। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोस्तों एक क्रॉस के साथ हमने मेंशन किया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और डॉट के साथ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आपस में शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन। दोस्तों अब ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ है, दोनों ही इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्लोरीन की एबिलिटी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 2.2 जबकि क्लोरीन की होती है 3.2। तो ये दोस्तों जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो पॉलिंग स्केल से हम डिटरमिन करते हैं हर एलिमेंट की, इससे हमें पता चलता है कि कितनी किस एटम की वैल्यू है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है, इसलिए क्लोरीन इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसलिए क्लोरीन के ऊपर फिर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज जबकि हाइड्रोजन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दोस्तों ये जो पार्शियल साइन है ये बेसिकली डेल्टा साइन है, ये डेल्टा का साइन है, इसे हम जब पढ़ते हैं तो पार्शियल फॉर्म में पढ़ते हैं। पार्शियल का मतलब होता है लिटल या स्लाइट, यानी कि ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, मुकम्मल तौर पे नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये स्लाइटली अट्रैक्ट करता है क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम, इसलिए हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव पेयर होगा क्लोरीन एटम के ऊपर HCl मॉलिक्यूल में और हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब दोस्तों ये जो पोलैरिटी एस्टैब्लिश हुई है इसी मॉलिक्यूल में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, एक क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3.2 और हाइड्रोजन की 2.2, तो डिफरेंस इनमें आता है दोस्तों 1.0। इस डिफरेंस की वजह से ये जो मॉलिक्यूल बना है अभी इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो दोस्तों पोलर मॉलिक्यूल कब बनता है, हेट्रो एटम्स के दरमियान और जब उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो वो किस केस में होता है, सेम एटम्स के दरमियान। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन, ये खुद ही अपने ही एटम के साथ स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाए इन द फॉर्म ऑफ H2। तो दोस्तों आप दोनों एटम हाइड्रोजन के ही हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है, तो इनमें डिफरेंस भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होगा। तो इस किस्म के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब दोस्तों जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये एक स्केल के अकॉर्डिंग हमारे पास आता है 1.7। अगर कोई भी मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड अगर डिफरेंस 1.7 हो, इससे कम डिफरेंस हो अगर मॉलिक्यूल में तो नेचर ऑफ बॉन्ड कोवलेंट होगा, और अगर 1.7 से डिफरेंस अबव हो तो नेचर ऑफ बॉन्ड जो है वो आयनिक होगा। दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हम किसी भी कंपाउंड में मौजूद जो नेचर है बॉन्ड की वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिटरमाइंस द नेचर ऑफ बॉन्ड इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। तो हम ये बताते हैं कि अगर मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस 1.7 से कम हो
तो कोवलेंट बॉन्ड नेचर होगी, और अगर 1.7 से अबव हो तो फिर आयनिक बॉन्ड नेचर होगी। उसका ट्रेंड देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक टेबल में, कैसे हम ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल के दो मेन हिस्से होते हैं, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो ग्रुप में जब हम किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, जैसे इधर भी मेंशन किया गया है दोस्तों, क्या आप देख सकते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। कब इंक्रीज करता है? जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करती है। जैसे ये सामने ग्रुप की एग्जाम्पल ली गई है, हेलोजन ग्रुप की, ग्रुप 17 इन पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। दोस्तों सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो है फ्लोरीन की 4.0 पॉलिंग स्केल पे, और सबसे कम आयोडीन की 2.7। यानी ग्रुप में जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करती है। रीजन इसकी क्या है, फिर मैं एक दफा रिपीट करता हूँ कि एटॉमिक साइज ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। इससे हमें क्या आइडिया होता है कि जिसका एटॉमिक साइज कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगी। तो दोस्तों हम देखते हैं पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। जब हम किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। रीजन इसकी क्या है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को मोर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, जिससे साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा। अब जितना एटम का साइज कम होगा दोस्तों, वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को इन अ बॉन्डेड मॉलिक्यूल मोर स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस व्हिच अट्रैक्ट्स शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गली टुवर्ड इटसेल्फ, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो यही हमने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है सेकेंड पीरियड की, यहाँ पे कि लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन इनकी ये वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, तो फ्लोरीन की मैक्सिमम है 4.0, तो ये पॉलिंग स्केल पे मेंशन की जाती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो व्यूवर्स आज का जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, इसमें हमने एक अलहदा से कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे मेंशन किया कि पोलर नेचर क्या होती है बॉन्ड की, या किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जो बॉन्ड की नेचर है वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के थ्रू किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे व्यूवर्स कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री एकेडमी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह नई नई वीडियो और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।